बात करेंगे जम्मू कश्मीर में कोविड की स्थिति को, तो दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए केस को देखकर जम्मू कश्मीर सरकार ने नियमों को लागू किया है। आपको बता दें 5 अप्रैल से 2 हफ्तों के लिए प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया गया है। कक्षा 9 और 12 के स्कूलों को 1 हफ्ते तक बंद करने का आदेश जारी हुआ है। दूसरी तरफ श्रीनगर ट्यूलिप गार्डन, एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। आज की अगर बात करें तो ट्यूलिप गार्डन पूरा खचाखच भरा हुआ था, जिसमें लोगों की भीड़ देखने को मिली। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो ना तो किसी ने सामाजिक दूरी का पालन किया था और ना ही मास्क का प्रयोग किया था। ऐसे बढ़ते हुए कोविड-19 के केस को देखकर, ऐसे नजारे देखकर सभी हैरान हैं। खैर, सरकार की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि कोविड-19 के लिए सभी बचाव संबंधी नियमों का पालन करा जाना अनिवार्य है, जिसे कोविड-19 से बचा जा सके। आपको बता दें, अगर आज की बात करें तो कोविड-19 के कुल 451 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 3 व्यक्तियों की कोविड से मृत्यु भी हो चुकी है। 122 जम्मू में मामले दर्ज हुए हैं। R9 भारत के लिए मलिक निसार, जम्मू कश्मीर, भारत।